जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं साल 2022 के राशिफल के साथ, मीन्स ये है राशिफल 2022 इन हिंदी। इसमें हम जानने जा रहे हैं कि वृष राशि के लिए 2022 कैसा रहेगा, उस पर भी विशेषकर वृषभ राशि वाले विद्यार्थियों के लिए, वृषभ राशि के शिक्षा के लिए साल 2022 कैसा रहेगा। ध्यान रहे कि यह वार्षिक राशि भविष्य 2022 है, इसमें हम वार्षिक राशिफल यानी ईयरली होरोस्कोप बताएंगे। अंग्रेजी में बोले तो इज 2022 गुड फॉर टॉरस एजुकेशन, अथवा इज 2022 गोइंग टू बी ए गुड ईयर फॉर टॉरस एजुकेशन। और इसकी पड़ताल के लिए हम आगे बढ़ें, इससे पहले आपको बता दें कि यह राशिफल लग्न पर आधारित राशिफल है। यदि आप लग्न के माध्यम से इसे देखेंगे तो परिणाम ज़्यादा सटीक होंगे। बाकी लग्न का पता ना होने पर आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि आप अपने लग्न की जानकारी प्राप्त करें। बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो फ्री में लग्न बताती हैं, astrosage.com पर जाकर के आप अपने लग्न जान सकते हैं। लेकिन यदि ना पता चल पाए किसी कारण से, तो आप अपनी राशि के अनुसार या फिर नाम राशि के अनुसार अपने भविष्यफल की टोल ले सकते हैं। वृष राशि के एजुकेशन यानी टॉरस स्टूडेंट्स होरोस्कोप 2022 को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वृष राशि वाले लोगों के लिए इस वर्ष प्रमुख ग्रहों के गोचर कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं गोचरों के आधार पर ही वृष राशि 2022 शिक्षा यानी आपके शिक्षा संबंधी परिणाम का भविष्यफल या भविष्य कथन किया जाएगा। साल 2022 में वृष राशि वाले लोगों की शिक्षा का क्या हाल रहेगा, यानी टॉरस एजुकेशन होरोस्कोप 2022 स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स को जानने के लिए हम आपके लग्न भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और इनके स्वामियों की स्थितियों का अवलोकन तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा दोनों कारक ग्रहों यानी कि बृहस्पति और बुध की स्थितियों पर भी गौर करेंगे। सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात तो यह रहेगी कि 12 अप्रैल 2022 से वृष लग्न या वृष राशि जो राशि देख रहे हैं उनके लिए के लोग राहु के प्रथम भाव पर पड़ने वाले प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। स्वाभाविक है कि यह स्थिति इनके स्वास्थ्य को बेहतर करेगी, साथ ही इसका इनकी जो विषय वस्तु है उन पर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, विद्यार्थियों का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा विषय वस्तु पर, यानी कि यह एक सकारात्मक संकेत है। शनि ग्रह के गोचर को देखें तो शनि ग्रह लग्न चतुर्थ पंचम कहीं पर भी अपना नकारात्मक प्रभाव नहीं दे रहा है। गुरु ग्रह के गोचर की बात की जाए तो गुरु ग्रह 13 अप्रैल 2022 तक चतुर्थ भाव पर अपना प्रभाव डालता रहेगा। इसके बाद वह वृष राशि वाले लोगों के लाभ भाव में पहुंच जाएगा, यानी कि मीन राशि में पहुंच जाएगा और पंचम भाव पर प्रभाव डालता रहेगा। यह दोनों स्थितियाँ सकारात्मक हैं, यानी यहाँ से भी शिक्षा संबंधी मामलों में अनुकूल परिणाम मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। विशेष बात गौर करने वाली यह है कि 12 अप्रैल 2022 को राहु ग्रह गोचर बदल रहा है, लेकिन उसके पहले जो कुछ कमियां हैं उनको बृहस्पति महाराज, बृहस्पति ग्रह मेंटेन कर रहे हैं, खासकर चौथे भाव और छठे भाव पर दृष्टि के प्रभाव से। ऐसे में वह मन से शांत करेंगे, जो कंसंट्रेट करने में आपकी मदद होगी, और छठे भाव की जो गुरु की दृष्टि है वो कम्पिटिटिव एग्जाम यानी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहित करती है। यानी कि सामान्य तौर पर ये बड़े ग्रहों के गोचर वृष राशि वाले लोगों की शिक्षा के मामले में अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अब बात कर ली जाए इनके लग्न के स्वामी शुक्र की, कि किन किन अवधियों यानी किन किन टाइम ड्यूरेशंस में वो कमज़ोर स्थिति में रहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और स्वस्थ मस्तिष्क शिक्षा में मददगार होता है। अतः किन किन स्थितियों में आप स्वस्थ मस्तिष्क से युक्त होकर बेहतर पढ़ाई करेंगे, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे ड्यूरेशंस ऐसे ही होंगे। हम सिर्फ उनकी चर्चा करेंगे कि कब कब कमज़ोर हैं, क्योंकि सिर्फ दो ही समय ऐसे होंगे पूरे साल में जब आपका राशि स्वामी या लग्न स्वामी शुक्र कमज़ोर स्थिति में रहेगा, बाकी के समय शुक्र अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो जो समय खराब है उनके अलावा सब समय अच्छा ही माना जाएगा, या फिर कुछ समय एवरेज भी हो सकता है, कुछ समय अच्छा हो सकता है। अतः हम केवल खराब समय की चर्चा कर रहे हैं, बाकी के समय को आप अच्छा मानकर चलिए। तो शुक्र की कमजोरी का समय साल की शुरुआत से लेकर 27 फरवरी तक है। इस बीच में शुक्र आपके आठवें भाव में रहेंगे, अतः पढ़ाई से ज़्यादा मन अन्य विषयों में लग सकता है।
इस अवधि में अपने अध्ययन का विशेष ख्याल रखें, अपनी शिक्षा का विशेष ख्याल रखें। 23 मई 2022 से 18 जून 2022 के बीच पढ़ाई की बजाय मन अन्य विषयों में लग सकता है, उस पर या उस समय अपनी विषय वस्तु पर केंद्रित रहें। इसके अलावा 24 सितंबर 2022 से 18 अक्टूबर 2022 के बीच भी शुक्र ग्रह नीच के रहेंगे और पढ़ाई की बजाय मन मनोरंजन या फिर मित्रों के बीच में अधिक लगेगा। जो इन तीन समय अवधियों यानी टाइम ड्यूरेशंस के अलावा बाकी अन्य समय में आपको शुक्र के माध्यम से अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यदि बुध ग्रह के गोचर की स्थिति देखो तो सामान्य तौर पर बुध ग्रह का गोचर आपको अच्छाई देता हुआ प्रतीत हो रहा है। सिर्फ 8 अप्रैल 2022 से 25 अप्रैल 2022 के बीच बुध का गोचर वृष राशि में होगा। वही गोचर तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकता है, बाकी अन्य स्थितियां अच्छी रहेंगी। यहां तक कि बुध ग्रह का गोचर जब मीन राशि में होगा यानी 24 मार्च से 8 अप्रैल के बीच, तब नीच का होते हुए भी बुध का गोचर आपको अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि वह आपके लाभ भाव में रहेगा, इनकम हाउस में रहेगा। बुध का गोचर सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम ही देगा। सिर्फ एक टाइम ड्यूरेशन है, वह है 8 अप्रैल 2022 से 25 अप्रैल 2022, यानी कि 17-18 दिनों के लिए ही बुध का गोचर कम ठीक है। बाकी समय बुध के गोचर से अनुकूलता मिलने की उम्मीद है। यानी जितने भी गोचर हैं सामान्य तौर पर शिक्षा के मामले में आपका फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि साल 2022 वृष राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए काफी अच्छा रह सकता है। यदि आपने पूरी निष्ठा के साथ अपनी पढ़ाई की तो यह गोचर आपकी पूरी मदद करेगा। अलबत्ता इतने पर भी अगर आपको अच्छे परिणाम ना मिल रहे हों तो अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी से चेक कराइए, पढ़ाई के बावजूद भी अगर अच्छे परिणाम ना मिले तो, क्योंकि हो सकता है कि इस कमजोरी के पीछे आपकी कुंडली की दशाएं कमजोर हो सकती हैं। यहाँ पर हम केवल गोचर की बात कर रहे हैं और गोचर के आधार पर साल 2022 वृष राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छा प्रतीत हो रहा है। तो इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अच्छे व कमजोर समय को जानकर उसके अनुसार आचरण करें और अपनी शिक्षा को बेहतर रखें। आइए अब यह जान लेते हैं कि साल 2022 में वृष राशि वाले लोगों को शिक्षा के मामले में यदि कोई व्यवधान आता है तो कौन से उपाय करके आप अपनी शिक्षा को बेहतर कर पाएंगे। साल 2022 में वृष राशि वाले अपनी शिक्षा को बेहतर करने के लिए 13 अप्रैल 2022 से पहले पहले किसी मंदिर में लगातार 3 गुरुवार जाकर बादाम का दान करें। नियमित रूप से माथे पर केसर का तिलक लगाएं, टीका लगाएं और बहते हुए पानी में सूखे हुए 4 जटा वाले नारियल, 4-4 नारियल लगातार 4 शनिवार बहाएं। अगर इन उपायों से आपको लाभ नहीं होता है, बहुत संभव है कि होगा ही, लेकिन अगर नहीं होता है तो यह भी संभव है कि आपकी दशाएं प्रतिकूल हो सकती हैं और अपनी विधिवत कुंडली दिखा करके अपनी दशाओं व अंतर दशाओं की अनुकूलता प्रतिकूलता जानकर उनका उपाय करके आप बेहतर शिक्षा का मार्ग ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि किसी जानकार ज्योतिषी से अपनी कुंडली चेक करवाएं। यदि आपकी इच्छा मुझसे अपनी कुंडली विश्लेषण करवाने की है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर कॉल करिए, अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और हमसे सलाह ले लीजिए। बिल्कुल सरल सी प्रक्रिया है, इजी प्रोसेस। लेकिन यहाँ ये बाध्यता नहीं है कि आप मुझसे ही सलाह लें, जो भी आपको जहाँ भी उचित लगे वहाँ से सलाह लें, कहीं से भी लें। आप सुखी रहें, आनंदित रहें, हम तो बस यही चाहते हैं। और हाँ, एक बात आपको गौर से सुनिए उसको। आपकी राशि से जुड़े सभी मुख्य पहलुओं के अलग अलग वीडियोज़ हम बना रहे हैं, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने आने वाले साल को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करेंगे। माँ सरस्वती आपको खूब बुद्धि दें, खूब ज्ञान दें। साल 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माई की। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।